गर्भ धारण करना और माँ बनना हर औरत के लिए एक सुखद एहसास होता है। इस दौरान आपको काफ़ी सावधानियाँ भी रखनी होती हैं, क्योंकि आप अभी एक नहीं दो हो, आपके बच्चे की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। आप जो भी खा रही हैं उससे बच्चे पे सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपका उठना बैठना, कोई भी शारीरिक एक्टिविटी से इसका सीधा असर आपके बच्चे पड़ता है। आपकी ज़रा सी छोटी सी लापरवाही आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसी बहुत चर्चित सवाल है जिसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं प्रेगनेंसी में आपको शारीरिक संबंध बनाने चाहिए या नहीं। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। आज आपको इसका पूरा हल बताने वाला हूँ मैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी है, क्योंकि ये टोटली आपकी प्रेगनेंसी पर निर्भर करता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ कारण बताना चाहता हूँ जहाँ आपको डॉक्टर जो है सेक्स करने से मना करते हैं। सबसे पहला कारण है, अगर आपको पहले कभी मिसकैरेज या गर्भपात हो चुका हो, बिना कोई कारण के अगर आपके नीचे से या योनि से जो है रक्तस्राव या ऐंठन होती हो, अगर आपका प्रसव 37वें हफ्ते में होने की आशंका हो, अगर आपके एमनियोटिक द्रव तरल पदार्थ जो होता है जिसमें बच्चा रहता है उसका अगर आप सही से रिसाव होने लगे, अगर आपके यूट्रस या गर्भाशय की ग्रीवा जो है समय पूर्व खुल गई हो, अगर आपके प्लेसेंटा की प्रीविया की जो अगर आपको कोई बीमारी हो, और अंतिम है अगर आपके सोनोग्राफी में जुड़वा या उससे अधिक भ्रूण हो, तो उस स्थिति में आपको डॉक्टर जो है सेक्स करने से मना करते हैं। ये आपको मैंने बता दिए हैं कारण। अब आप सोच रहे होंगे मैंने हाँ भी बोला था तो आप उसकी बात करते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में ये सब जो मैंने पहले बताया ये कारण नहीं है तो आप संभोग कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी पार्टनर पे टोटली निर्भर करता है कि वो कितना सहज महसूस कर रही हैं। अगर उसे सहज महसूस नहीं लगे, अगर उसको कुछ समस्या लगे, योनि में कुछ दर्द वगैरह हो रहा हो या कुछ और सिम्टम दिखे, तो आपको जो है सेक्स नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान सेक्स करना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको पूछ पोजीशन का ध्यान रखना होता है जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। फर्स्ट महीने में आप जो हैं ये पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, वुमेन ऑन टॉप पोजीशन, एज ऑफ द बेड पोजीशन और घुटनों के बल या डॉगी स्टाइल। सेकेंड महीने में आप स्टाइल जो है कर सकते हैं, वो है सबसे पहला डॉगी स्टाइल, दूसरा है सिटिंग डाउन पोजीशन जिसको गोद में बैठना कहते हैं, और तीसरा है स्पोनिंग पोजीशन, इसमें महिला एक तरफ लेट जाती है और पुरुष भी उसके पीछे उसी अवस्था में लेट जाता है। तीसरे महीने में आपको सिर्फ वुमेन ऑन टॉप पोजीशन ही ट्राई करनी है, दूसरी पोजीशन आप ट्राई नहीं करना, क्योंकि उस समय आपका जो पेट जो है बढ़ चुका होता है और उस समय जो है काफ़ी सावधानी रखनी होती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी पोजीशन ट्राई करनी है। अब करते हैं कौन सी पोजीशन जो है कौन सी पोजीशन नहीं करनी चाहिए और क्या क्या और सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अधिक गति से आपको जो है बचना चाहिए, अधिक गति से आप जो है स्ट्रोक ना लगाएं। साथ ही लुब्रिकेंट और योनिमा के अलावा दूसरे वैकल्पिक जो भी यौन संबंध है उनसे बचें आप। सेकेंड जो है आपको मिशनरी पोजीशन जो है उसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है महिला पार्टनर जो है वो आपके सीधा कमर के बल लेट जाती हैं, तो उसमें जो है उसका पेट पे सीधा असर पड़ता है। तो मिशनरी पोजीशन को जो है आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। अब अगर आप सेक्स करते हैं और आपको ये लक्षण दिखे तो आप तुरंत सेक्स करना बंद कर दें। सबसे पहला लक्षण है योनि से अगर आपके रक्त स्राव हो रहा है, अगर आप सेक्स करते हैं आपको ऐसा लक्षण दिखे तो आप जो है तुरंत बंद कर दें। इसके अलावा अगर संभोग के दौरान आपको दर्द हो रहा है तो भी आपको संभोग नहीं करना है। आपके एमनियोटिक द्रव का जो है रिसाव हो रहा है तो उस समय भी आपको बंद कर देना चाहिए। योनि के पास अगर आपको दर्द और ऐंठन अगर आपको लगे तो उस समय आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें कुछ भ्रांतियाँ हैं जो लोगों के मन में सवाल हैं जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो है लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में सेक्स करने से गर्भपात हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टोटली आपकी प्रेगनेंसी में निर्भर करता है। अगर मैंने जो ये कारण बताएं, ये कारण जो अगर आपकी पिछली प्रेगनेंसी में हैं या अभी आपकी अभी होने वाली प्रेगनेंसी में हैं तो आपको ज़रूर गर्भपात हो सकता है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कुछ समस्या नहीं है,
स्वस्थ प्रेगनेंसी आपकी, तो इसमें गर्भपात का कोई जो है रोल ही नहीं है। दूसरा है कि प्रेगनेंसी में अगर आप सेक्स करते हैं तो आपको जो समय से पूर्व जो है प्रसव हो जाता है, तो इसका मैं जो है उत्तर देना चाहूँगा कि इसमें जो है कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आप जो है अंतिम महीनों में अगर आप करते हैं तो उसमें जो है एक ऑक्सीटॉक्सिन जो है हार्मोन जो है रिलीज होता है, तो ये जो है आपकी जो गर्भाशय की ग्रीवा है जो उसको समय से पूर्व जो है खोल सकता है, आपको ऐसा महसूस हो सकता है। तो अंतिम महीनों में आप सेक्स करने से ज़रूर बचें। स्टार्टिंग के 2-3 महीने जो है आप सेक्स कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप सेक्स नहीं करें तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर थोड़े से भी पसंद आए आपको तो नीचे लाइक ज़रूर करिए वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं जो है डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में।